को पाइथन से करने के लिए आपको ध्यान रखना है, फिर से यूज करना पड़ेगा नंबीज का, क्योंकि ध्यान रखना डेटा आपको ले जाके प्लॉट करना है, तो डेटा प्लॉट आप तभी कर पाएंगे जब आप नंबीज पे काम करेंगे। तो इसमें लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा सुपरवाइज्ड लर्निंग इन पाइथन, पाइथन में सुपरवाइज्ड लर्निंग करना, सुपरवाइज्ड लर्निंग इन पाइथन, पाइथन में सुपरवाइज्ड लर्निंग करना। तो पहला मेथड क्या होता है, फर्स्ट मेथड आपका है सीएसवी फाइल को रीड करना, रीड द सीएसवी फाइल, फर्स्ट मेथड आपका क्या कहलाता है, आप सीएसवी फाइल को रीड करें। सीएसवी फाइल को रीड करने का मतलब क्या है, एक बनी बनाई फाइल जो आपने एक्सेल में बनाओ कहीं भी बनाओ उसको सीएसवी में सेव करके यहाँ रीड कर लो, सीएसवी फाइल को रीड करना। जैसे आपको कोई मशीन में लॉजिक डालने हैं, तो लॉजिक डालने के लिए अभी जो हमने टेबल देखा था ना, उस टेबल को आसानी से कहाँ बना सकते हैं, एक्सेल में, एक्सेल पे अपने टेबल को बनाया, उसको सीएसवी फॉर्मेट में सेव किया और फिर वो सीएसवी को आप बुला लीजिए, तो आपका वो एक्सेल वाला फॉर्मेट सीधे देखिए पाइथन पे आके जुड़ जाएगा। तो पहला काम क्या होगा कि आप सीएसवी फाइल बनाकर उसको यहाँ पे जोड़िएगा। तो उसके लिए कोडिंग देखो आपको देख रही है, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, टाइटेनिक बराबर जैसे पी डी डॉट डी सी एस सी सी एस वी किया गया, टाइटेनिक यहाँ पे क्या है, टाइटेनिक यहाँ पे आपका एक वेरिएबल है जो इसको सेव करेगा, तो टाइटेनिक के जगह कुछ भी रख सकते हो। रीड अंडरस्कोर सीएसवी, सीएसवी जो है आपका वो फंक्शन का नाम है, ट्रेन डॉट सीएसवी आपकी सीएसवी फाइल एक्सेल में बनाए और टाइटेनिक डॉट हेड से हम इसको क्लोज करेंगे, तो ये आपका क्या करेगा, आपको वैल्यू ला के देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसमें फोटो क्लिक कर लीजिएगा इसका, इसका केवल क्लिक कर रही है और इसको भी ग्रुप में डाल दो, ग्रुप ओपन है, ग्रुप में एक जिनको भी क्लिक करके भी डाल दीजिए। और सेकेंड स्टेप लिखिएगा, डेटा के, डेटा को कॉल करने के बाद, आफ्टर कॉलिंग डेटा, कॉल करने के बाद इसमें विभिन्न मशीन कोड्स को ऐड किया जाता है, हियर वेरियस मशीन कोड्स आर एडेड, इसमें विभिन्न मशीन कोड्स को ऐड किया जाता है, हियर वेरियस मशीन कोड्स आर एडेड। जो sklearn, जो sklearn पैकेज के द्वारा वर्क करता है, विच वर्क्स फ्रॉम sklearn पैकेज, जो sklearn पैकेज के द्वारा कार्य करता है, विच वर्क्स फ्रॉम sklearn पैकेज, ठीक है, sklearn ये ध्यान रखना आपने, एक पाइथन का पैकेज है जो मशीन लर्निंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, sklearn को पहले बुलाते हैं और उसको बुलाने के बाद साथ में हम एक लेबल इंपोर्टर को भी बुलाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम अपने इस शीट को शो करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि मशीन लर्निंग का पहला काम क्या होता है, किसी डेटा को शो कराना, तो डेटा को शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ध्यान रखना फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हमने पांडास को बुलाया, नंपी को बुलाया, मैटप्लॉटलिब को बुलाया, हम किसको बुलाएंगे, sklearn को, sklearn आपका ध्यान रखना मशीन लर्निंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग, और उसके बाद उसी लाइन में इंपोर्ट लेबल इंपोर्टर कर दिए। लेबल इंपोर्टर एक इसका फंक्शन है जो बहुत है मशीन लर्निंग में काम करता है, ठीक है, तो हमें बुलाना पड़ेगा। मतलब मशीन लर्निंग के स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है, sklearn और लेबल इंपोर्टर दोनों को हमें मैनेज करना है, आप देख भी पा रहे क्या हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल एनकोडर जो है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे जो ये टाइटेनिक अंडरस्कोर कैट आपको दिख रहा है, तो टाइटेनिक अंडरस्कोर कैट तो ध्यान रखिएगा ये कोई भी नाम हो सकता है, आपको जो नाम रखना हो रखिएगा, लेकिन जो नाम आप यहाँ रखेंगे उसी नाम को यहाँ रख के डॉट अप्लाई आपको करना है, तो उसी नाम को यहाँ रखा, डॉट अप्लाई किया और एली डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म फंक्शन का हमने यूज़ किया, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा डेटा जो है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं इस तरह, तो ये हमारे आउटपुट इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, sklearn के साथ भी काम करना पड़ेगा, तो sklearn ध्यान रखना इसी समय बहुत कुछ खेलना है, ठीक है। sklearn ध्यान रखिएगा रेडीमेड एक पैकेज है पाइथन का जो मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है, और इसमें मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि
मशीन लर्निंग क्योंकि बहुत तेज गति से ग्रो कर रहा है, तो आने वाले समय में एसके लर्न के साथ और भी आपको ऐसे पैकेजेस मिलेंगे जिससे मशीन लर्निंग आप बहुत आसानी से बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना कि थोड़ा अपडेट रहिएगा, थोड़ा यूट्यूब से फेसबुक से कहीं ना कहीं से पता लगाइएगा कि क्या क्या नई चीजें आ रही वहाँ पे जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वही आपको संभालना, बाकी सब तो आप संभाल ही लेते हो। तो इसकी भी एक कोडिंग फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। इसके बाद हम लोग अभी स्टार्ट और सी एस पी के को जब अगर ओपन करेंगे तो ये सी एस पी फॉर्मेट में आपका इस तरीके से दिखेगा। ये हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको एक्सेल में देखो सी एस पी फॉर्मेट इसका दिखेगा। ठीक है, आप देखो फाइल का सारा डेटा उसको उठा के पहले इधर डाल दिया किनारे, हमने तो फाइल बीचों बीच बनाई थी ना, सी एस पी ने उठा के पहले क्या किया किनारे डाल दिया, और उसके बाद फिर ये किसी भी कोडिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा सी एस पी को रीड किया जा सकता है। ये फाइल डायरेक्टर सी एस पी कोई भी सॉफ्टवेयर कोडिंग सॉफ्टवेयर रीड कर सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो सीधे एक्सेल को रीड ही किया जा सकता है एक्सेल एस को, इसलिए सी एस पी वर्क करता है। अब यहाँ पे हम इसको जैसे कट करके हम सीधा कहाँ ले जाएंगे, इसको हमने एनाकोंडा के रजिस्टर एनाकोंडा के अंदर ले जाएंगे। एनाकोंडा हमारा सी ड्राइव में प्रोग्राम एक्स फाइल्स एनाकोंडा डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट कराने के लिए कहाँ जाएंगे, एनाकोंडा को पहले ऑन करना पड़ेगा, तो नेविगेटर हमारा ओपन करके मैं इंपोर्ट भी करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये नेविगेटर को मैंने ओपन किया, थोड़ा टाइम लेता ओपन होने में, तब तक हम लोग आगे का कुछ चर्चा कर ले। तो आप एक एरे बना के प्लॉट कर सकते हैं आसान तरीके, जब सी एस पी से काम नहीं कर रहा तो किससे काम करें, एरे बना लो, कि आपका दो ऑप्शन है, तो एरे में डेटा डालो तो सी एस पी से उठा कर ले आओ। तो एरे आपको बनाना तो आता ही, ऐसे हमने जैसे लिखा स्पीड बराबर ब्रैकेट ओपन किया, पूरे हमने डेटा को डाला, जैसे 13 कार की ये स्पीड लुक शो कर रहे 13 कार्स की, और इसके बाद आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होकर निकल जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं ये हमारा मेन मेथड है, ये अपना नॉर्मल मेथड है, मोड मेथड, मोड के बाद एक मीन मेथड है। मीन मेथड में क्या करते हैं, हम सबका एवरेज निकाल के फिर एवरेज को प्लॉट करते हैं हम लोग वहाँ पे पाइथन में मशीन लर्निंग में। जैसे कि ये फर्स्ट मेथड आपका लिखेगा, पहला लिखेगा मीन मेथड, लिखेगा मीन मेथड फर्स्ट, लिखो मशीन लर्निंग में मीन मेथड। आपको पहले थोड़ा सा छोटे मेथड से मैं उठा के ले जा रहा हूँ, फिर आपको मैं एसके लर्न में मिला दूंगा। तो फर्स्ट मेथड आपका क्या, मीन मेथड एम ई ए। तो मीन मेथड में आपको यहाँ पे क्या होता है, लिखिएगा यह दिए गए एरे वैल्यू को या दिए गए एरे वैल्यू का एवरेज निकाल दे, टेक्स द एवरेज ऑफ गिवन एरे वैल्यू, या दिए गए एरे वैल्यू का एवरेज फाइंड कर दे, फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन एरे वैल्यू। तो जो भी एरे वैल्यू उनका एवरेज कौन फाइंड करेगा, मीन मेथड उनका एवरेज फाइंड करेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कोड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हमने इनपुट डंपी किया, स्पीड बराबर इनके जैसे 13 कारों की स्पीड दी, अब दो चार की स्पीड दे देना, आपने को कौन सा 100-150 पे काम करना है। तो स्पीड बराबर ब्रैकेट खोला, चार पांच कारों का नाम लिया, उसके बाद नंपी, देखो नंपी के साथ ही मीन काम कर रहा है। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स बराबर नंपी डॉट मीन स्पीड। तो यहाँ पे क्या किया, मीन ने मीन के फंक्शन में हमने स्पीड के नाम के एरे को डाल दिया, प्रोसेस होके जो रिजल्ट आया एक्स के पास गया, जब प्रिंट एक्स किया तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे 89.7629 एक बड़ा सा एक आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, मीन मेथड से मशीन लर्निंग के लॉजिक देखा। ठीक है, मीन मेथड को का काम एवरेज निकालना, वो उसको पता कैसे निकालना, तो आप वैल्यू डालो वो अपना काम करके चला जाता है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में सबसे पहला फंक्शन मैंने क्या बताया, मीन फंक्शन, क्या बताया, मीन, मीन मतलब मीन राशि नहीं, पहले मीन राशि लिखते सर, मीन राशि भी अभी चलता है, मीन फंक्शन का मतलब एम ई एन मीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके यहाँ पे व्हाट्सएप अभी चालू नहीं है, तो ये क्या फंक्शन आप फोटो थोड़ा क्लिक करके डाल देना, मीडियन मेथड, मीडियन, मीडियन का मतलब लिखेगा मिड वैल्यू, द मिडल वैल्यू ऑफ एरे, मीडियन का मतलब होता है एरे का मिडल वैल्यू, द मिडल वैल्यू ऑफ एरे। तो देखो मीडियन में क्या हुआ, यहाँ पे हमने मीडियन फंक्शन को नंबर के मीडियन फंक्शन को यूज किया, सेम एरे देखिए हमने प्लॉट अप किया, सेम एरे नंबर डॉट मीडियन, और क्या डाल दिया अंदर स्पीड, प्रिंट एक्स किया, पर रिजल्ट क्या होगा इसका,
अलग आएगा, इसका रिजल्ट देखो 87 आ रहा है, ये सीधा बिट वैल्यू को निकाल के देखता है, ठीक है। तो ये इसकी कोडिंग, इसका एक फोटो क्लिक करके डाल दो। मेथड जो है वो है अपना मोड मेथड, थर्ड आप देखो मोड मोड मेथड। जब हम मोड मेथड की बात करते हैं तो मोड क्या करता है, ये आपको जो आपने एरे दिया हुआ है इस एरे में मोड को फाइंड करता है। मोड को फाइंड करने का मतलब है कि इसका एक मोड नंबर और काउंट नंबर होता है, इसका एक लॉजिक होता है मोड और काउंट फाइंड करने का। तो वो लॉजिक तो अभी हम लोग चेक करेंगे आगे। तो हम लोग जब मोड को लिखते हैं तो ये क्या करता है, आपके एरे का एक मोड नंबर डिसाइड कर भेजेगा। जैसे यहाँ मोड रिजल्ट आपको 86 देखा जा रहा है, ठीक है। इसका एक लॉजिक हम लोग देखेंगे बाद में क्यों दिख रहा है। तो मोड हमें 86 दिख रहा है और काउंट एरे में तीन एरे को काउंट करना है ये, ठीक है। तो इसका कुछ प्रोसेस हम लोग को देखना होगा। तो ये क्या इस बेस पे काम करता है कि एक आंसर मोड आंसर देगा और उसका एरे साइज बताएगा, जैसे थ्री एरे बता रहा है। अब इसका लॉजिक हम लोग को भी देखना है कि काउंटिंग थ्री कैसे इसमें कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक मेथड आपका ये रहता है, तो एक मोड मेथड है, इसका आप यूज करेंगे। मोड मेथड को यूज करने के लिए आपको ध्यान रखना है फ्रॉम स्काइपी इनपुट स्टैट्स आपको करना होगा। एक स्काइपी नाम का भी एक पैकेज होता है पाइथन में, जिसको हमें क्या करना है इम्पोर्ट करना होता है, इससे चलता है। तो हमें क्या करना, मीन मीडियन और मोड मेथड के द्वारा ध्यान रखना, हमें सबसे पहले एंट्री मारनी है मशीन लर्निंग में, ठीक है। अब मीन मीडियन और मोड जो है ये बड़े बड़े फंक्शन है जो बड़े से बड़े एरेज को संभाल लेते हैं। पर सवाल यहाँ पे ये हो जाता है कि जो एरे ये जो है इस पर्टिकुलर एरे में मीन और मीडियन तो कैसे काम करते हैं उन्हें देखा, पर मोड में हम लोग इसका मोडिंग सभी चेक करेंगे, ठीक है। इसकी फोटो क्लिक करके भी एक आप क्या करेंगे सीधे ग्रुप में स्पीड बराबर या स्पीड अप डाल रहे हो, ठीक है। ये स्पीड बराबर जो स्पीड अप डाल रहे हैं ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड डेविएशंस कहलाते हैं, ये आपके डेविएशंस है जो हम लोग अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, एक और लिख लीजिएगा एक एसटीडी फंक्शन भी इसमें होता है स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन इसको कहते हैं। तो इसमें लिखिएगा यह एरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करता है, फाइंड्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरेज, या एरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करता है, फाइंड्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरे। आपको ये दिख रहा है लंबी के साथ एसटीडी जोड़ के हमने स्पीड को चलाया, तो स्पीड आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है। इसकी फोटो क्लिक करके डाल दो।